तो स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 5 है मेरा और मैं त्रिकोणमेट्री 10th क्लास कराने जा रहा हूँ। इसमें एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 कंप्लीट कर चुका हूँ। आज 8.4 को स्टार्ट करने से पहले हमें फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे और फॉर्मूले, ठीक है, फॉर्मूले ड्राइव भी करा सकता हूँ। तो उनको करने के लिए पहले हम फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, उनका यूज होगा बहुत ज़्यादा, ताकि एक्सरसाइज 8.1, 8.4 समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले प्रूव करने जा रहे हैं। जैसे जैसे पहला फॉर्मूला है और जैसे पहला है हमारा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसे ड्राइव है पता है तुम्हें, पता होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला पहला नंबर 1 इक्वल टू कितना आया 1। ड्राइव करने आते नहीं वैसे, इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और ड्राइव चाहे तो कर सकते हैं इसको ड्राइव। जैसे करके दिखाता हूँ तुम्हें, ये होता है थीटा ए बी सी, ठीक। तो साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन की वैल्यू बताइए। साइन के क्या होगा, पी अपॉन एच, तो ये क्या होगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन ए सी का स्क्वायर, ठीक। और ऐसे कॉमन क्या आ रहा है इसमें, ए सी स्क्वायर आ रहा नहीं आ रहा है, इसमें बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब बताओ इसका स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, ए सी स्क्वायर नहीं होता, ए सी स्क्वायर हम यहाँ लिखते, चलो यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो देखो कितना आया, चलो ठीक है। तो देखिए कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर नहीं होगा, तो ऐसी ए सी स्क्वायर फोन ए सी स्क्वायर कितना होगा घटा इज इक्वल टू 1। तो क्या समझे, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये प्रूव 1 हुआ। तो पहला फॉर्मूला ही बना हमारा, ठीक। इससे दो फॉर्मूले बन जाएंगे, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा जी 1 माइनस कॉस को उधर ले जाओ कॉस स्क्वायर थीटा, अब कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन को उधर ले जाओ, ऐसे दो बने थे मुझे, ये दो फॉर्मूले बने। अब आता सेकंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही बन गया। ठीक, ये फॉर्मूला इसके दो और बन जाएंगे, इसको ड्राइव कर सकते हैं इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, इसकी वाली सुपर कर ये आ जाएगा, ये भी ट्राई हो जाएगा, ठीक। ट्राई करना सीख सकते हो उसमें कैसे ट्राई हो रहा है क्वेश्चन। ये फॉर्मूला ड्राइव जैसे टाइम स्केल क्या होता है, दिस अपॉन दिस तो होता है, कर सकते हैं इसको प्रूव, ऐसे इस तरह ये करा हमने, लेकिन हम अब देखिए दो फॉर्मूले, सेक स्क्वायर थीटा थीटा सॉरी सॉरी थीटा माइनस कितना 1, यहाँ क्या बच्चा टेनिस बोलिए बच्चा, ऐसे टेनिस का थीटा इक्वल टू सेक्स का माइनस 1 उसे लेके, अब ऐसे ही इस टाइम को उधर ले आएंगे, टेनिस को नहीं बन जाएगा टेनिस का थीटा इक्वल कितना 1। तो दो फोन बन जाए, देखो एक बार टेनिस को उधर ले गए सेक्स का माइनस टेनिस का इक्वल टू 1, तो इसकी जगह 1 रख देंगे हम, क्या रख देंगे 1। ऐसे ही
अब इसको पहले वन ले गया हम, टेन स्क्वायर आ गया, तो इसे दो फॉर्मूले ड्राइव हो गए। अब थर्ड को, थर्ड फॉर्मूला है हमारा वन प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू कॉस का थीटा, एक थर्ड हमारा ये है। ठीक है, कैसे दो बन जाएंगे, कैसे कॉस का थीटा माइनस वन यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस का थीटा, कॉस का थीटा माइनस ओके कॉट को चले जाएंगे, इजिकल टू कितना आएगा वन, कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बन जाएगा इजिकल टू वन, ऐसे दो बन जाएंगे। ठीक है, इस ये फॉर्मूले से क्वेश्चन होंगे और कोई नहीं होगा। और साइन कॉस मैंने लिखी दिए, वन टू थ्री, कॉस टेन का लिख दिया मैंने, कौन सा टेन का, टेन थीटा इजिकल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये ड्राइव हो जाएगा। ड्राइवर ये देखते हैं, जैसे टेन थीटा क्या होता है, जिसको टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीसी अपॉन क्या लिखेंगे हम, ए बी। ठीक, अब बीसी में किसका डिवाइड करते हैं हम, ए सी का, ऐसे एम किसका डिवाइड करते हैं हम, ए सी का, तो होता है बीसी अपॉन ए सी का कहलाएगा, दिस अपॉन दिस कहलाएगा साइन, होगा ना, होगा क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस थीटा, फॉर्मूला ड्राइव वन हुआ, इसका फॉर्मूला ड्राइव बन गया, एक क्वेश्चन ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ऐसे इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो, कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कैसे फॉर्मूला बनेंगे, और पी अपॉन एच एच थे फॉर्मूला पहले बताई दिए मैंने तुम्हें, समझ आई ना, कि तो ये फॉर्मूले जितने यूज करोगे उतना ही फायदा होगा। हमें क्वेश्चन कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसमें एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन फॉर्म ऑफ कॉट, कॉट के टर्म आंसर लाना है, साइन सेक टेन, एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर वन, साइन ए सेक ए टेन ए फॉर्म कॉटे, कॉटे के टर्म में आंसर लाना है, इसमें कॉटे के टर्म में, सॉल्व अब कॉट के टर्म में आंसर सेंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो इसमें कॉट तेरा या कॉट, ये साइन है साइन कॉट का, ये कॉस का साइन हो जाएगा, ये कॉट से जाएगा आंसर, तो इससे आ जाएगा। ठीक है, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है ना, होता है, तो इसको लिखो वन अपॉन साइन स्क्वायर होता है ना, होता है फॉर्मूला, मैं बता रखा है पी अपॉन एस एच बी से, दोबारा रिपीट कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल साइन कॉस टेन, बार बार रिपीट करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो साइन इसका हो जाएगा
जाएगा कॉट सेक कॉसेक, ये यूज होंगे। देखो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक के रहा वर्ड कौन सा है, इसलिए साइन इसको रहा। और ये क्या हो जाएगा, ये तो वर्ड प्लस कॉट इसका चल ही रहा। ठीक, अब इसको उल्टा कर दो, वन अपॉन कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा ए, इजिकल टू कितना आएगा साइन स्क्वायर, जैसे रोल करते हैं ना इसको, रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल ये ऊपर हो जाए, ये नीचे के ऊपर हो जाए, आंसर आगे ना आगे, और यहाँ से क्या बन जाएगा अनुरट जाएगा, ये वन प्लस कॉट स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा साइन, ये आंसर आगे ना आगे, पहला आंसर ये आंसर इसी टर्म में लाना है, ये होना लगा दिया इसको वन अपॉन साइन स्क्वायर लिख दिया, वन पॉइंट साइन स्क्वायर लिख के लिख के बाद इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल ये ऊपर नीचे नीचे ऊपर कर दिया, इसका रूट चला गया था, चलिए ये फोन इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, अब सेक की किसको आंसर लाना है कोर्ट में, और सेक तुम्हारा मेरा, तो टाइम बदलेंगे वन पॉइंट कोर्ट में, तो जब तक फोन याद लर्न नहीं होंगे क्वेश्चन एक भी नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई ना क्वेश्चन, तो फोन सारे पता होना चाहिए, ये समझ आया क्वेश्चन। और क्या करने जा रहा हूँ, सेट सेट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना, तो सारे क्वेश्चन अप्लाई करना सिखा रहा हूँ इसमें, समझ आ गई ना भाई। और करने किसका, सेट का, तो सेट तो हमारे पास ही रहा, सेट ये लगाइए हम, वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है इजिकल टू सेक्स करे, वन प्लस इसको लिखेंगे वन पॉइंट कॉट स्क्वायर, इसको कैसे मिलेंगे, इसका इससे करना क्या करोगे, कॉट स्क्वायर प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर कितना आ जाएगा सेक्स करे। ठीक है, अंडू चला देंगे इधर, सेक कर जाएगा ना, कॉट स्क्वायर प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर कितना आ जाएगा सेक, कितना जाएगा सेक, अब इसका तो इंटू रट जाएगा, इसको लिखेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर बटे कॉट, ये आंसर आ गया, समझ आई ना कि ठीक ही जरूर होगा, तो सेक का आंसर किसके टर्म आ गया कॉट के टर्म, देखो कॉट 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 आएगा ना आंसर में, तो क्या समझे, इसको टेन को कॉट में चेंज कर लो, इसका इससे एलसीएम लेगा सॉल्व कर दिया, सेक चली जाए और यहाँ से इसको लगा के अंडर रूट चढ़ जाएगा इसमें, तो कॉट इसको अंडर रूट के अंदर तो इसलिए हट जाएगा, अंडर रूट सिर्फ वो देगा, ये देखो लो ढंग से कैसे करना, कितना इजी मेथड है, सारे पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छी तरह की चीज, ये नहीं का रट्टे लगा रखे हो कोई समझ, बिल्कुल इसे देख के फोन ले, जब तक फोन देख तक के अप्लाई करने और कुछ नहीं करने, सबसे इजी मेथड है ये, हरेक किसी दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, अब किसकी वजह का नियम है, टैन की कॉट की, तो मैं तो ऐसे ही होता है, इसमें क्या दिक्कत है, बता देता हूँ उसको, देखो ये तो ये थर्ड रिलेशन है मेरा, टैन किसी में कॉट में, तो टैन की वजह क्या लिखेंगे, टैन ही जो लिखेंगे वन पॉइंट कॉट है, ये थर्ड आंसर आ गया, सारे क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, सेकेंड क्वेश्चन, और ट्रिग्नोमेट्री रेशो एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक की टर्म आंसर निकालना है, ये भी लंबा क्वेश्चन है, सब सब किस में सेक की टर्म में, किस में सेक की टर्म आंसर लाना है, ये आ गया आंसर, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, फोन में क्यों नहीं बैठा, क्यों फोन का यूज होगा, देख देख फोन में देख लेना, अच्छा साइन का आंसर सेक की टर्म में लाना है, इसी सेक की टर्म में, और रेशो इन टर्म सेक,
के लाना है। तो देखो साइन है, ओके साइन का आंसर कैसे करना है, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कितना, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू वन होता है, होता है वन होता है ना ऐसे, ठीक। आप इसको ले आओ तो साइन स्क्वायर ए ऐसे वन माइनस साइन स्क्वायर, मतलब साइन का आंसर किसमें लाना है, साइन लिखा ना सॉरी साइन, तो इसको ले जाओ वन माइनस कॉस स्क्वायर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर आ ही नहीं आया। अब इसको क्या लिखेंगे, वन अपॉन सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, और इसके से एलसीएम ले लो, सेक स्क्वायर माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर, और ये क्या चल रहा है साइन स्क्वायर, भाई कॉस को उधर ले गए, कॉस को वन अपॉन सेक होता है, सेक का सेक टू माइनस वन दिया आ गया, अब ठीक है, अब साइन स्क्वायर हटा के अंडर चढ़ा दें पूरे का, कितना आ जाएगा साइन ए, तो या भी नहीं चाहिए, कितना आया सेक्स के लिए माइनस वन ही आंसर आ गया, इससे तो अंडर हट जाएगा, आ गया ना आगे साइन का आंसर किसमें, सेक की टर्म आ गया ना आ गया। अब सेकंड केस इसमें क्या है, इसी में तो फर्स्ट केस था, इसमें निकालने के लिए, अब कॉस की वैल्यू किसमें निकालनी है, सेक की टर्म में, तो वैसे ही उल्टा हो जाएगा, ये हो गया आपका सेकंड केस। अब निकालना टेन, टेन किसमें निकालना है, सेक की टर्म में, जीरो लगा देना, जब टेन का आंसर निकालना है तो सेक को उधर ले जाना, थर्ड केस है ना, सेक टेन को ले रही है लिख देना बस, थर्ड केस में कहा जाएगा टेन ए इजिकल टू बन जाएगा वन माइनस, देखो ये लिखा ना, लिखा टेन स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस वन, राइट कर दो आप सॉल्व कर दो बात ही की, देखो ये पहले फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, इसको एक को इधर ले जाना वन को, तो फिर ले जाएगा आंसर, ये वाला आंसर आ जाएगा, कितना आसान था, पढ़ के सो गए, आउट करना हमें कॉट, इसका उल्टा होगा तो कॉट हो जाएगा, तो आंसर दे रखा ही है, समझ आ गई ना कि, अब देखो कॉट कैसे निकलेगा, टेन के अंदर रखा है, टेन इजिकल टू होता है वन माइनस सेक्स करे, होता नहीं होता है, तो इसको वन पॉइंट का लिख देंगे, कॉट लिख देंगे, तो इसके वैसे रूल को दस को जानते हो, वन पॉइंट टेन लिख दो इसको, इसको उल्टा कर दो, वन पॉइंट टेन क्या होता है बता, उल्टा रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल, तो वन पॉइंट टेन क्या होता कॉट इज इक्वल टू, ये आंसर आ जाएगा, समझ आई ना कि, तो ये ध्यान रखना साइन कॉस टेन कॉट, और कॉसेक रह गया, क्या रह गया कॉसेक, कॉसेक किसकी टर्म में लाना आंसर, सेक की टर्म में लाना है, जो कॉसेक तो साइन का जो आंसर था, जो साइन का आंसर था उसे कॉसेक बना लो, समझ आ गई ना कि, फिर जाओगे देख लो पॉइंट कैसे चेंज करेंगे इसको, आप इसका आंसर निकालने जा रहे हैं, देखो सेक का, सेक का तो सेक का तो सेक होता ही है, और कौन सा निकालने हैं, कौन सा क्या साइन के उल्टा, तो ये साइन निकाल तो साइन का उल्टा कर लो, तो बता रखा है साइन स्क्वायर ए प्लस
इजिकल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन अपॉन सेक्स स्क्वायर में हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर ए अपॉन माइनस वन हो जाएगा, और जहाँ क्या होता है साइन ए, क्या हो जाएगा साइन ए, अब ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा, ये तो अंडर रूट जाएगा सेक ए, और भी जा जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो इसका हो जाएगा साइन का कोसेक, तो उल्टा कर दिया ऊपर ये नीचे, ये आंसर आ गया, तो जाएगी ना कि क्यों, अरे साइन स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है, कॉस को वन अपॉन सेक दे दिया, और सेक का इसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वन, ऐसे हम देते सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए, फिर अंडर रूट चढ़ा दिया, अंडर रूट क्यों चढ़ाया, क्यों यहाँ तो स्क्वायर होता है, इससे अंडर रूट चढ़ा दिया, इसका निकले, इसका तो नीचे आ गया, ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल क्यों साइन का होता था कॉस है, ये आंसर आगे ना हो गया, इसमें एक्सरसाइज बहुत सारे क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, वीडियो लंबी चलेगी, और ध्यान दो और शेयर एंड लाइक जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो अपडेट होती रहे और तुम्हें नई नई वीडियो मिलती रहे, और लाइक पसंद सबको आ रही हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बेसिक चीज़ जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा समझता चल जाएगा, अगर कोई बच्चा बहुत कमज़ोर पढ़ने में तो छोटी छोटी चीज़ें सीखो, बड़ी बड़ी तो बाद में सीखती जाएंगे, जब तक मकान के पिलर नहीं पढ़ेंगे बड़े बड़े तो वो चार पांच मंजिल मकान कैसे खड़ा कर लोगे, तो आजकल यही जमाना चल रहा है, बच्चे क्या करते हैं जो बेस की दे, बेस की देखो बस, इसका बेस की देर है उसके सब कुछ सीख जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत तो जीवन बनना ही नहीं है, बिना मेहनत जीवन बेकार है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मैं, थर्ड ये तो खत्म हो गया, अब थर्ड बैठा दो यूज हो जाएंगे, अब थर्ड का देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन क्या है साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर कितना है, ट्वेंटी सेवन, ये क्वेश्चन है, अपॉन क्या है, अपॉन इसमें कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 70 प्लस 73, ठीक है, अतः 790 हो रहा है, हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 73 और 90 हो गया, इनका 790 हो गया, ठीक है, इसमें एक को बदलना ऊपर वाले से एक को, जैसे साइन स्क्वायर 90 माइनस, मैंने कहा पड़ोसी लिख देगा 27 और साइन स्क्वायर 27 चली रहा है, अपॉन ऐसे इसमें बदलो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 और कॉस स्क्वायर 75, तो साइन स्क्वायर कितना होगा, तो साइन 90 माइनस ये क्या होता है कॉस स्क्वायर 27 और प्लस साइन स्क्वायर 27, कॉस 91 से क्या होता है कॉस 91 से साइन स्क्वायर 17, और यहाँ हो जाता है 73 चल रहा, सॉरी ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 73, 17 की जगह करेंगे 73,
इसके बाद कितना आती है वन, ये होना देखो साइन सो थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कितना आता है वन अपॉन वन इज इक्वल टू आ गया वन आंसर। समझ आ गई ना कि कितना इजी था, इनका सब 90 होता तो एक को बदलना है, साइन को 90 माइनस 27 सिर्फ इसको छेड़ा मैं देखो मैं थोड़ा लगा कई मतलब ठीक है, तो इसकी वैल्यू वन होती है इसकी वैल्यू वन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कर लेना, सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन सेकंड पार्ट है ना बहुत ईजी हो जाएगा, कोई कैसे करना अब। क्वेश्चन नंबर 4, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 9 ले लो 9 कॉमन, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है वन, देखो फॉर्मूला यार sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन होता है। ठीक है और लिख देता हूँ और अच्छे हो के sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है वन, यहाँ क्या रख देंगे 9 इंटू 1 कितना आ जाएगा 9, ये था कौन सा फोर्थ, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। और इसके अलावा सेकंड पार्ट करा दें कितना सेकंड पार्ट, यहाँ तक समझ आ गई, एक क्वेश्चन समझ आ गया, इसमें 9 कॉमन ले लिया इसकी वैल्यू 1 होती है वहाँ रख दिया 9 आंसर, क्लियर हो गई हटा दें। ओके अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट फोर्थ के सेकंड पार्ट, इसमें लंबा मेथड थोड़ा कर, इसमें 1 माइनस 1 प्लस 10 थीटा माइनस sec थीटा 1 प्लस प्लस sec थीटा, दूसरा वेक्टर क्या है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा 1 प्लस माइनस cot थीटा, या कौन है सॉरी cot थीटा पहले आएगा और थीटा माइनस cosec थीटा, ये आंसर आना है ना, इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है। आप देखो इसमें साइन कॉस में बदल लो, फॉर्मूला फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये फॉर्मूला लगेंगे इसमें, यह क्या लगाते हैं हम 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ये ऐसे इसके लिख देंगे कितना जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा और प्लस माइनस और या माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है ठीक है, साइन अपॉन कॉस में खोल दिया और कॉस अपॉन साइन में खोल दिया, वन ये साइन का रेसिप्रोकल होता है और ये होता है कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस। ठीक है अब इसको फ्रैक्शन आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है कॉस थीटा, तो कॉस कैसे देखिए कॉस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ऐसे ही इसमें साइन थीटा ठीक, तो क्या साइन इधर साइन हो जाएगा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ठीक है। ठीक है अब देखो सेम नहीं है ये, एक बार प्लस एक बार माइनस तो किसके ऊपर उठ जाएगी ए स्क्वायर, ये वाला ए बार तो प्लस ये वाली प्रॉपर्टी लगी इसमें, मतलब प्लस है यहाँ और यहाँ माइनस है ठीक है, तो क्या लग जाएगी प्रॉपर्टी, समझ आ गई प्रॉपर्टी आइडेंटिटी,
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर ऐसे बन जाएगा ऊपर, और ये साइन थीटा कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोल दो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, समझ आ गई ना? पता कैसे करा? इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी, ये वाली आइडेंटिटी लगी अब देखो, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए तुम्हें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये आइडेंटिटी लगी अब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, नहीं तो बड़े बड़े लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक तो आइडेंटिटी लगी है, ठीक है, एक आइडेंटिटी लगी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लगेगा, समझ आएगी ना? कि स्क्वायर कितनी होती है? वन, इससे कट गया, कितना आया? टू साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल कितना आया? टू आ गया आंसर, ठीक है, तो आंसर कितना आया? टू। लंबी क्वेश्चन था अभी, तो इसको साइड क्वेश्चन चेंज कर लिया। देखो मैं तीन तीन बार बता रहा हूँ, दो दो बार क्वेश्चन समझो, साइन अपॉन कॉस वन अपॉन कॉस, और समझ आ गया? ऐसी कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, वन अपॉन साइन इसका रेसिप्रोकल होता है, इसमें साइन कॉमन ले लिया, तो इसमें पता तो मैं इसमें कैसे लिया पता तो मैं, ओनली वन है तो साइन कॉमन ले लिया, साइन साइन सेम है तो कॉस आ जाएगा, ये सेम है तो वन आ जाएगा, ऐसी है, और एक और प्लस एक और माइनस, सेम है तो इसका स्क्वायर माइनस वन, इसका स्क्वायर माइनस सी है जी, इसकी वाली वन वन से वन कट गया आंसर आ गया, आसान लगा नहीं लगा क्वेश्चन? समझ आएगी ना? अभी तो ये क्वेश्चन बना, क्वेश्चन था थर्ड, फोर्थ का थर्ड पार्ट, अब फोर्थ का सेकंड पार्ट हो गया, अब थर्ड पार्ट समझ आएगी ना? कि देख लो आसान तरीका मेरे को लेकर, डेरिवेशन के तो आर्टिस में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत हैवी हैवी क्वेश्चन है, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी तुम्हारे फॉर्मूले जानना होंगे और अंडरस्टैंडिंग होगी। sec a माइनस प्लस माइनस टेन ए क्या लिखा है? sec a प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए, sec a प्लस टेन ए थर्ड पार्ट, sec a प्लस टेन ए वन माइनस कॉस ए साइन ए वन माइनस साइन ए, ये है प्लस और टेन ए, और क्या होता है? वन फोन कॉस ए होता है ना, फोन देख लो मैं, इसका होता है साइन ये फोन कॉस ए, ऐसे इसका वन माइनस क्या हो जाएगा? साइन ए, अब कॉस को सेम नहीं आ रहा, कॉस तो सेम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वन प्लस साइन ए आया नहीं आया, और वन माइनस साइन ए चली जाए, और देखो एक बार तो प्लस है एक बार माइनस, तो कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी? आइडेंटिटी ये वाली लग जाएगी, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वन कितना आ जाएगा? कॉस ए, वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं होता, अपॉन कॉस ए, तो कॉस तो कॉस गया, क्या आएगा? कॉस आंसर। फिर सुन लो, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है ना, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर होता है, ये कैसे होगा? वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर,
इसका तो उड़ गया कोस, एक सिंगल कोस होता, इसमें थर्ड पार्ट हो गया, और इसका होता है फोर्थ पार्ट। नीचे तो ऊपर तो क्या है, प्लस है और नीचे कोट है, वन प्लस टेन स्क्वायर बटे वन माइनस कॉट स्क्वायर, ध्यान से लाना है, सॉल्व करना है। तो मैंने बता रखा इसको, ये तो टेन में चली रहा है, इसको ना कॉट को वन पॉइंट टेन स्क्वायर चेंज कर दो, ठीक। तो कॉट होता वन पॉइंट टेन, इसका तो स्क्वायर लगा दिया, सर यहाँ कर देता हूँ क्योंकि फॉर्म रख देता हूँ यहाँ पे, वन प्लस टेन एक्स तो चली जाए, ये वन प्लस वन अपॉन कितना आ जाएगा, क्योंकि देखो कॉट होता है वन पॉइंट टेन, इसलिए फॉर्म देता हूँ साउंड फॉर्मला भी लिख रहा हूँ ताकि रन हो जाए, कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर, ठीक है, वन प्लस इसे सेंटी करना टेंस करिए प्लस वन अपॉन टेंस करिए, अभी का बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, हो जाएगा टेंस कर, ए राइट हैंड का चल रहा वन प्लस टेंस करिए, है कुछ नहीं, देखो ये है ऐसे है तो टेंस के ऊपर बन जाएगा, ये चलते का तो कितना आ जाएगा इससे कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। समझाएंगे ये फोर्थ पार्ट हो गया, कितने पॉइंट हो गए, तो जब तक फाउंड लर्न नहीं होंगे क्वेश्चन एक भी नहीं होगा, ओके समझ आएगी ना, अभी कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर कर दें फाइव, हम क्या कौन सा कर दें क्वेश्चन नंबर फाइव, क्योंकि इसमें लंबी लंबे क्वेश्चन है और डेरिवेशन ज़्यादा है, तो फाउंड जब तक लर्न नहीं होंगे क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करने जा रहे हैं फाइव, ये समझ आ गई ना कि देखो कॉट को टेन में चेंज कर देना, साइन कॉस भी इसके कई वे थे, साइन कॉस भी चेंज करके आंसर आ जाएगा, इसलिए इजी पड़ेगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, और नहीं क्यों नहीं बता रहा क्योंकि इसमें यूज होंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन फाइव कौन सा है, हाँ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करना है, वन माइनस कोस थीटा वन प्लस कोट कोस थीटा, वन माइनस कोस थीटा वन प्लस, और ये प्रूव करना है, क्या करना है प्रूव, तो प्रूव कहाँ से करेंगे हम, एलएचएस, तो पहले देखिए चलो इसी गांव से, इसी गांव दोनों तरफ से आंसर दिखा दूंगा, तो मुझे इधर से कर देता हूँ, तो क्या होता है वन पॉइंट साइन लिख सकता हूँ, और इसी के आए वो कौन सा फोन साइन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं देखते हैं कहाँ स्क्र बन जाएगा, ये फोन बार बार रिपीट नहीं करता मैं लिख रहा, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, ये होता है वन अपॉन साइन, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा, तो अभी सेम आया तो वन माइनस कॉस थीटा वन हुआ और स्क्वायर ऐसे, अब से देखो वन माइनस कॉस तो ऊपर आ गया, लेकिन वो सिंगल यहाँ पे स्क्वायर है, अब एटा इसको दो बार लिख लो, मतलब ऐसे लिख लो ऐसे,
इसका अलग और नीचे का अलग। और इसका फॉर्मूला मेरे पास देख रहा, साइन से थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लिख देता हूँ। साइन से थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस ये क्या है, तो क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अपन एक बार तो प्लस लिखना है, देखो आइडेंटिटी बता रहे हो, तो एक बार यूं, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये आइडेंटिटी लिख दी साथ साथ ताकि तुम्हें दंड हो जाए। ये पता क्या है, ए माइनस बी, ये फॉर्मूले यूज होते हैं 9th क्लास में, 8th में सीख के आए होंगे, तो वहाँ पता क्यों लिखे, एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, तो एक बार तो प्लस लिखना है, एक बार क्या लिखना है, तो इसको से ये उड़ गया, तो ऊपर क्या बचा, कॉस थीटा बटे ये आर एच एस आ गया, ये आंसर आ गया, समझ आ गई ना, कि ये क्या है आर एच एस एस। ये समझ आ गई ना, कि इसलिए समझ आ गई, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया, 5th का फर्स्ट पार्ट था ये, और सेकंड पार्ट क्या है, इसको साइन कोस में एस कोस 1.5 समझ आ गई ना, कि तो होल स्क्वायर भाग चल रहा है, देखो फिर अलग अलग कर दिया, इसका फॉर्मूला खोल दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिया, ये आइडेंटिटी लगा दी मैंने, एक एक पॉइंट की देख लो, समझ आ गई ना, कि क्वेश्चन नंबर कौन सा सेकंड क्या क्वेश्चन है, ऊपर कॉस है नीचे साइन है, ऊपर कॉस है नीचे साइन है, तो क्या 1 प्लस साइन है, नहीं है 1 प्लस साइन है, प्लस नीचे साइन है या कॉस, ऊपर कॉस है ठीक से ना, नीचे कॉस है, ऊपर 1 प्लस साइन ये है, आंसर क्या लाना है 2 tan ये, और कहाँ से है एल एच एस, एच एम कितना आया 1.5 sin ए और कॉस ए, या कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है दोनों दे दी ब्रैकेट में, ये कौन ले लिया, और एक जैसा मिला नहीं था इसका, तो इससे का देन टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस कॉस मिल गया, इसका इससे कर दो 1 प्लस साइन का स्क्वायर, कितना आंसर आ जाएगा, इसे खोल दो, कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन करे 2 sin ए, कहेंगे ये कहाँ से आया सर, ए स्क्वायर एक कैसे एक लगा सकते हैं हम, एक का स्क्वायर बी का स्क्वायर इसका इंटीग्रल 2ab, इसलिए फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लगेगा आइडेंटिटी, ए प्लस के क्या गया होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितने, इसकी वैल्यू कितने आते हैं देख लो, इससे कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन इंटू निकल वैसा नहीं देना, इसे तो कैंसिल हो जाएगा, अच्छा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये उन्होंने पता क्यों दे दिया मैंने, ताकि इसे 1 कर सकूँ, मेरा 1 चल रहा है, और 2 साइन ए,
अपन ये चली रहा है ऐसे, नीचे कोई छिड़काई नहीं हुई, सिर्फ इसका होलसेल लग गया, इसकी वैल्यू थी 1 ऐसे। अब कितना हुआ, 2 हो गया, 2 और 2 कौन ले जाए, क्या ले लिया, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो पता नहीं कटा। और 2 अपॉन कॉस क्या होता है, 2 sec होता नहीं होता है, तो वहाँ 2 sec ही आएगा, क्या यहाँ पर 2 sec ही, ठीक है। ये एल एच एस, तो एल एच एस इजिकल टू किसके बराबर आया, एल एच एस मतलब लंबे लंबे क्वेश्चन जरूर है, ओनली फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब जिसके फॉर्मूले दम ने सारे क्वेश्चन कर लिए बिल्कुल नहीं होंगे। दोबारा फिर देख लो, ये दोनों एलसीएम आ गए, इसका तो इससे करती है, इसका इसका इससे करती है, होल स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर होता है, इसका 20 का प्लस 2 ab, इसको एक कहता है इजिकल टू 1 होता है, ये इजिकल टू 1 होता है, तेरा फॉर्मूला 1 और 2 हो गया, 2 से 2 का डिवाइड 1 और ये आ गया, इससे कट गया, इजी लगा नहीं लगा, इजी बहुत इजी, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गई ना, अभी जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष, ठीक, क्वेश्चन लंबे लंबे हैं, पौने दिन नहीं होते, क्वेश्चन एक भी नहीं होगा। अब इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सारे पार्टी पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, बहुत सारे हैं, और थर्ड पार्ट लंबा क्वेश्चन है, बहुत लंबा है थर्ड। आपका क्या है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन बोलो क्या लिखा है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ये होता फॉर्मूला 1 माइनस टेन थीटा, 1 sec cosec, क्या लगा आंसर, 1 प्लस cosec थीटा प्लस sec थीटा, sec पर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, sec थीटा cosec थीटा, ठीक है। इसको साइन कॉस में बोल लो, साइन थीटा फोन कॉस थीटा, 1 माइनस 3 क्या हुआ, कॉस थीटा फोन साइन थीटा, तो क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ 1 माइनस क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन कॉस में चेंज कर दी सबको, और इसका फोन होता है साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, और इसका साइन अपॉन कॉस कॉस अपॉन, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ऐसे इसका ऐसे कर कितना आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा चलेगा, ऐसे यहाँ पे चल रहा है, ऐसे करो तो कितना आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा अपॉन, समझ आ गई ना, कि पता एलसीएम दे दिया, नीचे वाले का एलसीएम दे दिया हमने, और फिर बता रहेगा ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो साइन का थीटा वजन हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा, कॉस थीटा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सभी का। समझा भाई, कॉस थीटा तो भैया कॉस थीटा नीचे आ जाएगा और पूरा ग्रेटर में लिख देंगे, ऐसे ही कॉस नीचे आ जाएगा तो साइन आ जाएगा, साइन कॉस में साइन चल रहा ना उल्टा को साइन से करते जाते हैं। क्यों ऊपर लिखा हुआ कॉस अपॉन साइन, तो कॉस से कॉस क्या आ जाएगा कॉस हो जाएगा और साइन नीचे उतर जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, इस पहले साइन है बाद में कॉस है, इसमें इसको माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद पहले साइन माइनस कॉस उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऐसा हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि एलसीएम एक जैसा आ जाएगा ये तो दोनों रेट, और एलसीएम क्या आ रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, इससे एक जैसा ले ले लो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक ये मिल गया कॉस मिल गया, क्या बचा साइन, साइन टू साइन इसका साइन क्यों नहीं होगा ऐसे, ऐसे ही साइन तो साइन मिल गया, ये पूरा वेट मिल गया, क्या कॉस कॉस का कॉस का रेट क्या होगा ऐसे, और इसका फॉर्म देख देना इसका क्यू का ए पी माइनस बी की का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मतलब ए माइनस बी आने का और इसका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसका, ठीक है, और क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन पूरा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर देख लो दोबारा, मैं जल्दबाजी नहीं करता, इसका फॉर्मूला लिख दिया, इसको इससे इंटू करो माइनस सी अपॉन ए अपॉन दिखता है ऐसे वन लिखते हैं हम जो करेंगे वाला मसाला करा है यहाँ पे साइन एल सी आ गया साइन का सी माइनस कॉस ऐसे यहाँ करा है ये साइन बन जाए साइन स्क्वायर ये बन जाएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना साइन इसमें कॉस इसमें साइन पहले तो माइनस कौन लगे माइनस आ गया इसका एक तो समझ ना दो मिल गया इसका फोन दिख गया मैंने अरे वहाँ से कट गया इसकी वजह कितनी होती है वन होती ना होती है साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इसमें अलग अलग डिवाइड कर दो जैसे वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा कॉस से कॉस साइन साइन एक वन नहीं कटा वो जाए क्या हो जाएगा भाई वन वन अपॉन साइन क्या हो जाता है कॉस सेक वन फोन सेक क्या होता है सेक इज प्लस वन ये आंसर है ये प्लस वन ये तो ये प्रूव करना तो देख लेना तो एक ही वन सी की फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा जब आंसर ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे बच्चे हैं फोर्थ फिफ्थ देख लो ढंग से नोट कर लो समझ लो इसको अच्छी तरह क्लियर एक मिनट का गैप ले लेता हूँ मैं। ठीक है समझ आएगी ना अभी नंबर और कौन सा कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं। एक डायलॉग याद आ गया इन क्वेश्चन में मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, इसमें दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं एक तो इंतजार करने वाले होते हैं एक होते हैं कोशिश करने वाले, तो इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है, इसका मतलब जानते हो एक स्टूडेंट है जो इंतजार कर रहा है पसंद ले लिया पेन कॉपी ले ली और आराम से देख रहा है इंतजार करता है कब होगा कब होगा वो तो इंतजार करता रहेगा। एक स्टूडेंट वो है जो कोशिश कर रहा है पसंद तो करे लेकिन गलत करा फिर दोबारा करा तीन चार बार मतलब ट्राई कर रहा है बार बार उसको
ट्राई करता है, आखिर को उसको हार मान मान के वो सक्सेस हो ही जाएगा। तो दो टाइप के स्टूडेंट हो गए, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, इनको ध्यान रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मैं, अब नेक्स्ट कौन सा पार्ट है वो? फोर्थ। ये समझ आ गई ना? आ गई। लेंथी क्वेश्चन था, देख लो अच्छी तरह, एक स्टेप बाय स्टेप लिखा मैंने, कोई भी मिस्टेक नहीं करी इसमें। ठीक है, आगे चले। एक घंटे से ऊपर वीडियो हो जाएगी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक ही वीडियो में। तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ क्वेश्चनों को, आराम से अच्छी तरह समझ सकें और एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर सकें। मेरा फोकस है बच्चों को, मतलब स्टूडेंटों को एक एक पॉइंट क्लियर कराना। बार बार देखोगे तो, बार बार रिपीट करोगे तो बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और क्वेश्चन है 1 + sec। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, फोर्थ पार्ट है इसका। 1 + sec अपॉन sec, छोटा क्वेश्चन है, अपॉन sec इसका लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए। साइन स्क्वायर 1 - cos ए। ठीक है, या तो इसको सॉल्व कर लो या इसको कर लो। ठीक है, तो कहीं ऐसे सारे किससे भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्या लिखेंगे, 1 + 1 cos 1 हुआ अपॉन 1 cos ए। प्रॉब्लम कहाँ से करते हैं हम? LHS। और इसका एलसीएम करो तो कितना आएगा, किससे करेंगे इससे? ठीक है। कितना आ जाएगा इससे हल करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, इससे सिंपल हो जाएगा। दोनों मेथड से कर सकता हूँ इसको, पहले से कर लो। चलो क्या आ जाएगा, cos a +1 upon cos a, 1 upon cos a चल रहा है, ये कटा नहीं कटा, तो कितना आएगा, 1 + cos a आया नहीं आया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट यहाँ कर दो इसको, 1 + cos a। अब आंसर तो आया नहीं, पता है इसमें क्या करना है, 1 upon cos a में 1 - cos a का इंटू कर दो और इसका डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों कराए मैंने बताओ? ठीक है, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई है, मतलब ऊपर से सेम करा मैंने, क्योंकि आंसर में आ जाएगा। और ऊपर और फॉर्मूला क्या बनेगा, आइडेंटिटी, ए बार प्लस ए बार माइनस एक का स्क्वायर माइनस क्या आएगा, ये तो होगा अपॉन 1 - cos a। अच्छा 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, देखो मेरा होता है साइन स्क्वायर, कितना आ जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर अपॉन आ गया क्या लेते आ रहे, समझ रहे? देखो इसके बाद थोड़ा लफड़ा है, इसके बाद ये तो आ गया। अच्छा पहले 1 को फिर बाद में cos लिखा, क्योंकि क्योंकि लिखा क्योंकि इसको एज देखो ये माइनस सेम इंटू सेम मिल जाएगी, ताकि नीचे आ जाए इसका इंटू करें तो ये आ जाए। ठीक है, इधर से सॉल्व कर सकते हैं इसको। पांचवा पार्ट्स, फोर्थ पार्ट हो गया। इसमें ऊपर क्या लिखा है, cos a + - sin a।
इसको भी कम जगह पर रिटायर करना पड़ेगा। रिटायर तो समझ आ गई ना अभी इसको, इसमें कर देता हूँ सर, जहाँ जगह कंपनी आएगा नहीं आंसर। क्या लिखेंगे? कौशे माइनस साइन ए प्लस वन, कौशे माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कौशे प्लस साइन ए माइनस वन, कौशे प्लस साइन ए माइनस वन, क्या आंसर लाना है? ठीक, क्या आंसर लाना है? इसका लाना है कॉस के प्लस कॉट ए, कॉस के प्लस कॉट ए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ सॉल्व तो कई ना। अब देखो कॉट है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो साइन कॉमन ले लिया, साइन का डिवाइड कर दो ऊपर। क्या कर दो? साइन का डिवाइड कर दो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या कॉस कॉमन या साइन कॉमन ले लो। तो साइन ए कॉमन ले लिया, समझ लो इसका डिवाइड कर दो, क्या होगा? कॉस ए अपॉन साइन ए और वन प्लस वन अपॉन साइन ए साइन। ठीक है, क्लियर भाई? साइन का डिवाइड इसमें करा, ये आ गया, इसमें एक बार गया इसका वन अपॉन साइन, ऐसे ही इसने साइन ए कॉमन ले लो। इसका डिवाइड कितना आया? कॉस ए अपॉन साइन ए और वन माइनस वन अपॉन साइन ए, पता नहीं करता क्या होता है। कॉट ए माइनस कॉट ए प्लस वन अपॉन साइन क्या होता है? कॉस है कि माइनस वन अपॉन क्या होता है? कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस वन। ठीक है, समझ आएगी ना कि साइन कॉस वन साइन क्या होता है? कॉट, कॉट ये क्या होता है? वन मतलब इसको पहले दिन पे बाद में वन। अब वी नो दैट इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देख लो। ये बात कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है वन, तो लिखूंगा मैं ताकि कॉमन आ जाए। कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस इसका आ जाएगा कॉस ए माइनस की वाला, याद है ना? कोशिश करे माइनस कॉटिस करे, कोसे प्लस इसका एक बार तो प्लस एक बार माइनस, कोसे के प्लस कोसे, क्या करेंगे इसको एक बार? तो क्या करेंगे? प्लस का एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, फाइनल पर वो ले जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी ले जाएगी, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस वाला कॉमन ले लेंगे हम। क्या लेंगे? प्लस वाला कॉमन ले लेंगे। दिख रहा नहीं बच्चों? समझ आ रही ना? आ रही है? मतलब मेरे कहने का होता है, जैसे बना दिया एक की जगह के वन होता है फॉर्मूला, इजिकल टू क्या होता है? वन, वन की जगह रख दिया मैंने। ठीक है, चाहो तो फॉर्मूला देख सकते हो, वहां पे वन इजिकल टू होता है कॉस का ए थीटा माइनस कॉट्स का थीटा, जगह ना आ रही। चलो ठीक है, समझ आ गई ना? कि तो इसको क्या करेंगे हम? अब रखेंगे यहाँ पे जादू लिख दो हम, कॉट ए प्लस कॉस ए के यहाँ जाएगा एक बार प्लस एक बार माइनस, कॉस ए के प्लस कॉट ए, कॉस ए के माइनस कॉट ए अपॉन चल जाए, कॉस
इसमें कौन क्या आ रहा है ऊपर? बराबर नहीं आ रहा है कॉट ए प्लस कॉस ए, कौन आ रहा है नहीं आ रहा? इसका सेंटर कितना आ गया? वन वन नहीं का वन माइनस, ये ऊपर आ गया, ये माइनस चल रहा है, चल रहा है, ये किसका हो जाएगा? कॉस ए के प्लस कॉट ए, नीचे क्या चल रहा है? नीचे चल रहा है कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस वन, ये से कट गया, देखो सेम नहीं है, वन ए रहा, वन ए रहा, कॉस ए के रहा, कॉस ए पॉजिटिव हो गया, ये कितना होता है? तो किसका बराबर आगे ना आ गया, यह है कॉट ए प्लस कॉस ए के, ठीक है। क्वेश्चन था ये कौन सा? फिफ्थ पार्ट। अब आता है सिक्स पार्ट, बात समझ आएगी तो दोबारा देख लो। इसमें इसके अनुसार देखते हैं कॉसेक है, इसमें साइन कौन ले लेंगे हम? साइन का डिवाइड इसमें क्या है? ऐसे लिख देंगे साइन का डिवाइड इसमें वन मार गया और साइन का वन अपॉन साइन, इसको लिखेंगे हम ऐसे, ये पहले लिखेंगे, इसके बाद माइनस वन लिखेंगे, सिमिलरली ऐसे नीचे लिखेंगे। ठीक, अब मुझे बता इसका फॉर्मूला ये होता है, और जगह नहीं दिमाग लिखा नहीं मैंने, चल लिख लो फॉर्मूला क्या होता है। कॉस एक्स इसका ये माइनस कॉट इसके इक्वल टू वन होता है, वन नहीं लिखा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये लगाया मैंने पहले ही करा। इसको एक बार तो क्या करेंगे हम, एक बार प्लस एक बार माइनस आगे ना क्या? और देखो ये कौन आ रहा है एक जैसा, इसमें डिवाइड एक बार क्या इसका, ये तो ऊपर आ गया, इस माइनस से ये माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये रहा ये कट गया, देखो ये माइनस ये कॉट प्लस प्लस कट गया। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट था, ये क्या था? फिफ्थ पार्ट, और कराने जा रहा हूँ सिक्स पार्ट। क्वेश्चन बहुत इजी इजी हो रहे हैं भाई, टाइम तो लगेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सिक्स, सिक्स ये अंडर रूट में लिखा है, ये छोटा सा हो जाएगा, वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा साइन ए वन माइनस साइन ए। ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, फ्रॉम कहाँ से करा वो? फ्रॉम एल एच एस, ये वन प्लस साइन ए वन माइनस, तो इसको ऐसे है ना कि हंड्रेड से एसराइज कर दो इसको, और एक जैसा ला रहे ऊपर, तो कितना है वन माइनस एक स्क्वायर, और इसका कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक, और देखो वन प्लस साइन स्क्वायर, और उसके अंदर लगा अंदर चल रहा है,
वन वन साइंस कर होता है कोशिश कर, यहाँ कहीं आ जाएगा, कोशिश तो आ जाएगा, क्या कोशिश कर, अब क्या इसको तो इसको हट जाएगा, वन प्लस साइन बटे अदर डिवाइड तो वन फोन कॉस और साइन या फोन कॉस, तो वन फोन कॉस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वही क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा, आगे ना क्या आर एच एस, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसका एक बार प्लस माइनस है तो इसका कितना हो जाएगा, प्लस प्लस, तो वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, देख दो कोई दिक्कत फॉर्मूला लिख सकते हो, पेपर रन करते ना एग्जाम में वन लिखना पड़ता है, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, ये अप्लाई करा मैंने इसकी जगह पर, यह आ गया कॉस स्क्वायर, ये स्क्वायर थे अंडर रूट हटेगा दोनों के आंसर आ गया, समझा कि नहीं क्वेश्चन, बहुत ही जीता ना, ओके बिल्कुल समझ आ रही नहीं आ रही है, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेवंथ पार्ट, सेवंथ पार्ट किसने चल रहा है, साइन थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा बटे कॉस टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या प्रूव करना है इसको, वैसे जाना है टेन थीटा, इसमें कौन कहाँ से करेंगे हम, एल एच एस, इसमें साइन कॉमन ले लो, इसका डिवाइड कितने बन गया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, वन अपॉन इसमें कॉस थीटा कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, समझ आएगी ना अभी, ठीक, अब या तो इसको साइन में कर, इसको कॉस में चेंज कर लिया, इसको कॉस को साइन में, ये तो होता है साइन थीटा चल ही रहा है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही कॉस थीटा चल रहा है, इसको खोल लो, ये होता है वन माइनस क्यों कितने को, कॉस का थीटा होता है वन माइनस दिया, तो इस जगह भी ये रख दूंगा ये वाला थीटा माइनस वन, ये वाला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट साइन थीटा वन माइनस टू साइन थीटा बटे अंदर गुणा करो टू साइन थीटा माइनस वन, टू साइन थीटा और टू ऐसे बनेगा तो वन साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन वन कॉस चल रहा है, तो देख लो टू वन जा टू और टू को ऐसे कर दिया आ गया, और टू में से वन गया था वन आ गया, ये चल गया सेम कटा नहीं कटा, साइन थीटा वन ये क्या होता है इजिकल टू टेन थीटा, समझ आ गई ना अभी, तो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, इसने साइन कॉमन ले लिया, इसने कॉस कॉमन ले लिया, ये साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर, इसको साइन की टर्म में चेंज कर लिया, साइन टर्म में चेंज कर लिया, टू को ऐसे हल करके आ गया, ठीक है ठीक है, और टेन से टेन कट गया, समझा गया बच्चों, तो देख लो कितने ईजी क्वेश्चन हो रहे हैं, समझा गई ना पूरी भाई, जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे क्वेश्चन एक भी नहीं होगा, ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन दो तीन और बचे, खत्म कर देता हूँ।
की जरूरत नहीं है। ठीक व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, जन्म से नहीं, ये ध्यान रखना। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक, आगे चलते हैं। एक बगीचे में कौन सा करने जा रहे हैं? एट्थ, टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर, साइन थीटा कोसेक, कॉस के साथ सेक, पहले क्या साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर, रिजल्ट पता क्या लाना है? 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर लाना। अब फ्रॉम कहाँ से करना है इसको? LHS तो खोल दो, ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए कॉस ए, ऐसे इसको खोल दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, और देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो वैसे देख लेता हूँ, और हम पढ़ेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, ये क्या है आंसर क्या जाना है, टेन में या कोट में? इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है ये कॉसेक स्क्वायर, मतलब ये चेंज कर दिया ऐसे ही, 2 sin a into 1/sin होता है, ऐसे कट गया। फिर देख लो ये के साथ इसका ये आ गया, इसका फॉर्मूला ये होता है, और 2 sin a cosec 1/sin कट गया। अब ये वैल्यू, अब प्लस ये क्या चाहिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है, रहता है, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये 10 की टर्म में आंसर था, 10 कॉट में, ऐसे 2 cosec ये क्या होता है, स्टैक 1/cos नहीं होता, ये इससे कट गया। इसी वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस, देखो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गए, 6 हो गए ना, हो गए, ये कैसे चल रहा है, कॉट स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 7 आया, नहीं आया कॉट स्क्वायर प्लस, चाहे पहले 10 लिख लो, 10 लिख रहा ना, प्लस ए और कॉट स्क्वायर, ये आंसर आया नहीं, कुछ भी नहीं करा, फॉर्मूला फिट करा मैंने, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये रहा, इसको ऐसे चेंज कर दिया, और ये इसके साथ आगे 1 होता है, और ये सेक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है, ये चल गया, समझ आएंगे ना कि। कौन सा क्वेश्चन था, 5th, आप क्या कर कौन सा करते हैं, समझ आएंगे ना कि। क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका, इम्पोर्टेंट। ठीक, बात समझ आई ना कि, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर खोल दिया 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, इसको फोन फिट कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आप करेंगे 9th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लास्ट बचे ना, 2 हैं बस क्वेश्चन। आपको समझ आएगा, 9th,
क्या क्वेश्चन बोला इसमें, इसमें था साइन ए कॉस ए की माइनस साइन ए और साइन की माइनस कॉस ए, कॉस ए के माइनस साइन ए और साइन के माइनस कॉस ए, क्या था ना वन पॉइंट टेन ए प्लस फोर्टी, इसको साइन कॉस ए चेंज कर दो, वही साइन दोनों दोनों तरफ से भाई वन पॉइंट साइन ए और ना साइन ए चल रहा ऐसे, ये वन पॉइंट कॉस ए चल रहा और कॉस ए चल रहा फ्रॉम एल एच एस, ठीक है ऐसे में कहाँ आया इसके सेंटर में एलसीएम देते हैं कॉस तो वन माइनस साइन स्क्वायर ऐसे ही कॉस ही आ जाएगा, इसके ऐसे कितना आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है इसको भी खोल सकते हो चाहे दोनों तरफ से, चलो इसको भी देखें सेम आंसर आ गया, पहले दर्ज करो फिर बाद में सेम आंसर आएगा, ऐसे क्या था साइन अपॉन कॉस ए और प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक नीचे एलसीएम कितना है इसका कॉस एलसीएम आया, इसका एलसीएम कितना कितना आएगा साइंस करिए और देखो साइंस आने कॉस आएगा कॉस करिए समझ आ गई नहीं, ऊपर चल चल रहा है और मैंने साइंस करके आता है कॉस होता रहता है ये फोन में पता होना चाहिए कि अपॉन साइन ए इंटू कॉस तो चल ही रहा है, ये होता है साइंस करने होता कॉस तेरा, इसमें क्या आ जाएगा ये ऊपर पहुंच जाएगा इसी कटी कितना आता है वो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए इजिकल टू वन होता है, इसके बाद वन ये ऊपर पहुंच जाएंगे ना और ते कॉस से तो कॉस गया साइन से साइन गया क्या बचा कॉस ए साइन ए इजिकल टू साइन ए कॉस ए आगे ना गया मतलब इसको दोनों तरह से करा साइन को साइन चेंज कर दिया ऐसे ले लिया ये ऊपर बन जाता है ऐसे बन जाता है ऐसे ही ये बन जाएगा, टेंथ क्वेश्चन बचा लास्ट एक्सरसाइज खत्म समझ आएगी ना बच्चों, देख लो कितनी इजी मेथड है, एक ही चीज समझ लो बोर होने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट आ रहा खूब मजा आ रहा बच्चों अच्छी तरह समझो, ठीक है समझ आ रही नहीं आ रही है एकदम पॉइंट क्लियर, इतनी मेहनत करता हूँ तुम्हारी टीए, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल, चलिए आगे रियल बता रहे हैं हम, बनावट तो हमें आती नहीं है, क्वेश्चन करा रहे हैं हम सिखा रहे हैं ये चीज, ठीक है जी तो क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर कौन कितना आ जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक इजिकल टू वन माइनस टेन वन माइनस कॉट वन माइनस टेन वन माइनस कॉट ए, ऊपर प्लस है नीचे प्लस है ऊपर साइन अच्छा दोनों माइनस है ऊपर, ठीक है अच्छा दोनों प्लस हैं ठीक,
ओपन माइनस है ठीक, इक्वल टू क्या लाना है, टेन स्क्वायर है ये आंसर लाना है ठीक है। अब क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मैं, तो तीनों वैल्यू सेम आएगी, जैसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं वन प्लस टेन एक्स चलेगा भाई, मैथड तो कई है जगह, वन प्लस इसको खो देता हूँ टेन स्क्वायर ऐसे ऐसे इसको भी साथ साथ ले लो, वन माइनस वन वन टेन स्क्वायर नहीं हुआ टेन ए, और वन माइनस फोर्टी सर टेन चलेगा, वन प्लस टेन तो सही रहा है, इसे क्या सीम आएगा, इसे टेन स्क्वायर एल्सियम आएगा नहीं आएगा, कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर वन प्लस वन ऐसे ही, इसे इंटू करना टेन स्क्वायर माइनस वन अपॉन टेन ए वन माइनस टेन समझा गया ना अभी। अब ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये देखो दिख रहा है इसे, ये ऊपर पहुंच जाएगा टेन ए अपॉन टेन स्क्वायर प्लस वन, ये इससे कट गया, पता नहीं कटा, देखो ये ऊपर पहुंच जाता है, ये दोनों सेम आ गए, सेम कट गया, ऐसे ही इसमें करेंगे आप और इसको लगा हुआ है तो पता टेन बन जाएगा टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा टेन करेंगे तो टेन ए माइनस वन ऊपर जाएगा ना, ये तो स्क्वायर बाहर लगा लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब देखो ये तो आ गया टेन स्क्वायर आया जाएगा टेन स्क्वायर कौन सा ये वाला वन माइनस टेन स्क्वायर और ये हो ना और टेन स्क्वायर माइनस वन ये कट गया और टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर फिर दोबारा देख लो इसको वन पॉइंट टेन चेंज कर दिया इसका सेल्स में लिया माइनस वन आ गया अपन टेन तो टेन ऊपर पहुँचा दें देखो और बाहर इसको लगा हुआ है और ये ना ये इसको अलग रख देंगे। अब देखो फिर बता दूँ ए माइनस का स्क्वायर हो या बी माइनस ए सेम आएगा आंसर, इसलिए मैंने लगा इस प्रॉपर्टीज में सारे प्लस इसका पॉजिटिव इसका सेम आंसर आया इसलिए इसको इसमें घर कर दिया ये और पहुँच गया या कट गया तो ये वैल्यू आ गई। ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, एक घंटे ज़्यादा लग गया हो सवा डेढ़ घंटा, लेकिन ये एक्सरसाइज मैं पूरी कर दी, कितनी मेहनत कर दी लगातार डेढ़ घंटे पढ़ाना ठीक है। तो मेरी वीडियो को शेयर एंड लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं अच्छे और वीडियो बना सकूँ, ताकि अंदर मेरे अंदर मोटिवेशन आ सके और तुम्हारा कल्याण हो जाए, उस बच्चे की चीज़ सीख जाए, सारे फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप याद कराए मैंने ठीक है और कोशिश करते रहो और सीखते रहो, यही मेरी शुभकामना है ठीक। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, ट्रिग्नोमेट्री मतलब टेंथ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री मैंने पांच लेक्चर में खत्म कर दिया, अगर आपने पाँच वीडियोज देखनी मेरी तो पूरा चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा और आपको बहुत पसंद आएगी, क्यों मैंने बेसिक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें छोटे बच्चों जैसे कमज़ोर बच्चों को ध्यान रखे वीडियो बना रखी मैंने, वो काफ़ी मेहनत करी इस वीडियो में, तो शेयर करना मत भूलना और लाइक ठीक है, बेल आइकन और दबा देना ताकि और अच्छी तरह सब्सक्राइब कर देना ठीक है। चलता हूँ मैं, जय हिंद जय भारत।